हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। यस फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में है, ये रीडिंग आपके लिए है। फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstero.com। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सुझो कर रहा उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। सो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं थीम क्या रहेगा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स का। हाउ द नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी द थीम, क्या रहेगा थीम फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स रहने वाले हैं। आई डू फील कि आप किसी यू नो ब्रेक थ्रू को अचीव करने वाले हैं, कोई विक्ट्री अचीव करेंगे, क्लैरिटी अचीव करेंगे। जो भी कंफ्यूजन अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनसे आपको आज़ादी मिलेगी, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं उनसे भी आज़ादी मिलेगी। जजमेंट, यस, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने कंबाइंड की है बिकॉज एनर्जीज बहुत कंबाइंड चल रही हैं। सो इस वजह से ऑल्सो फ्रेंड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहेगी आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो यस, ऑल्सो डेस्टाइन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, यू नो इन द सेंस के डेस्टिनी आपके साथ है, जो चीज़ फेटेड है आपके लिए वो होंगी, या जो भी आप करोगे उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़रूर रहने वाला है। एम्प्रेस, येस, आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग अपने गोल्स, करियर वगैरह पे वर्क करोगे, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप उसमें बहुत सक्सेसफुल रहोगे। अनदर थिंग इज़ के काफ़ी सारे लोगों की शादी वगैरह हो सकती है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। डेफिनेटली सेल्फ लव और सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, और इनफैक्ट अगर आप अभी सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आप उससे रिकवर कर लोगे बहुत स्ट्रांगली। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप ये रीडिंग सेव कर लो, बिकॉज फ्रेंड्स आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के इस रीडिंग को दोबारा देखने की। सो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आई ऑल्सो फील कि आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑल्सो आपको कोई फाइनेंशियल विक्ट्री या कोई लीगल विक्ट्री भी मिल सकती है। अगर आपको किसी तरह का इनजस्टिस मिला है, रिग्रेट मिला है, अभी तक लॉस मिले हैं, वहाँ से आप रिकवर कर लोगे फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रांगली करोगे। लेट्स सी, द सिक्स ऑफ वॉन्स, द सिक्स ऑफ वॉन्स, द नाइट ऑफ कप्स, येस, आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली प्रोग्रेस होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ का बहुत जंप आउट होके अंदर वापस ही जा रहे हैं। Where did that card go? ये देखिए, the Hierophant, the next 3 months for Cancer, Scorpio, Pisces, their love life. Ooh, the High Priestess. Wow, सारे major arcanas आ रहे हैं यहाँ पे, 2 already आ चुके, यहाँ भी 2 आ गए। Woohoo, बहुत important months हैं next 3 months. सो पहली चीज़, आपकी लव लाइफ में कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन मिलने वाले हैं, या जो भी पर्सन अभी आपके साथ हैं, अगर बातें वगैरह बंद हैं आपकी, डेफिनेटली आपके टॉक्स और कन्वर्सेशंस खुलने वाले हैं उनके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी है, सो हो सकता है इनका सन साइन ना हो स्कॉर्पियो आपके पर्सन का, बट इनके काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वाटर साइन में लग रहे हैं, मून डेफिनेटली इनका वाटर में है। ऑल्सो आप लोगों की जो लव लाइफ अभी बेहद रुकी हुई है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपकी लव लाइफ में जो है प्रोग्रेस आएगी, आपको ऐसे नए तरह के लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो चांस ऑफ मैरिज है, चांस ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा। आप ऐसी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रेंड्स, जो आपके ओवरऑल यू नो हेल्थ, बॉडी, माइंड के लिए अच्छी हैं। अभी तक आप किसी ऐसी चीज़ों से गुजर रहे थे जो सही नहीं थी, टॉक्सिक थी आपके लिए,
बट नेक्स्ट 3 मंथ्स जो आपके रिलेशनशिप्स रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ट्रेडिशनल इन द सेंस के प्योर रहेंगी, हायर पर्पस रहेगा उनका आपसे मिलने का, और शादी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आई ऑल्सो फील के जो भी कनेक्शंस आपके लिए हैं उसमें टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहेगी आप लोगों के नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप जल्दी से पहचान पाओगे लोगों के इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ, क्या चाहते हैं लोग, सो वेरी नाइस। आई ऑल्सो फील के अगर आप अनमैरिड हो तो बहुत स्ट्रांग मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सो गेट रेडी। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो येस यू आर ऑन द राइट पाथ, आप करते रहिए प्लीज़। I do feel, let's clarify the Hierophant, what's about the Hierophant, 9 of Pentacles, yes. I do feel friends के आप लोग जो next 3 months है आप लोग अपने आप को choose करोगे अपनी love life के अंदर, और ये चीज़ या अपने ऊपर एक self focus है जो कि आपको बहुत अच्छी partnerships attract करवा रही है। You know, अभी तक आपने ऐसे partners attract करें जहाँ पर आपको equal दर्जा नहीं मिला है, equal give and take, या you know आपको वो person, यू नो दे वर नॉट गुड पार्टनरशिप्स, टॉक्सिक थी वो पार्टनरशिप्स। इवन कोई मैरिज से आपको अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है, मैरिज भी टूटी है, तो भी यू विल रिकवर फ्रॉम इट फ्रेंड्स, और उससे बेहतर आपको लोग मिलेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो येस, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं द मैजिशियन, येस आप डेफिनेटली समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू फ्रेंड्स, कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील आप लोग भी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, केप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आई डू फील आपकी लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक डॉन आ रहा है, एक तरह के एक नया सूरज चमकने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स। What else? For Cancer, Scorpio, Pisces, next 3 months, their love life. Oh wow, the Emperor. So again, major arcana आ रहे हैं friends. Yes, I do feel कोई person आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से रखने वाले हैं। ये देखिए, match made in heaven है, the Emperor and the Empress। हो सकता है ये person आपके twin flame हो सकता है ये person इनसे आपकी आगे चल के शादी हो। the match made in heaven friends, Emperor and the Empress दोनों हैं। So I do feel ये divine destiny है आप दोनों का मिलना। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपको जानते हों लेकिन आपको छोड़ के गए हों, किसी और से मैरिज करी है इन्होंने, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आई डू सी मैक्सिमम लोगों के लिए ये नए पर्सन है और बाकी लोगों के लिए ये पास्ट से हैं। हो सकता है कोई अनमैरिड पर्सन है जो पास्ट से आ रहे हैं आपकी तरफ, ट्विन फ्लेम आपके। ओ माई गॉड, सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके द वर्ल्ड। आई डू फील ये कनेक्शन जो है फ्रॉम डिफरेंट सिटी कल्चर हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है, या आप लोगों में नेशनैलिटी डिफरेंस हो सकता है, बट स्टिल फ्रेंड्स कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत सॉलिड रहेगा, टेलीपैथी बहुत ज़्यादा रहेगी, और इंस्टेंटली ही आप दोनों के अंदर जो बातें हैं कमिटमेंट को लेके होंगी, प्यार मोहब्बत को, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को लेके होंगी। सो वंडरफुल नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके रहने वाले हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये देखिए रीजनरेशन, यस फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपनी लव लाइफ में बहुत परेशानियाँ झेली हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी एंडिंग्स से आप गुजर रहे हो। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या कोई शादी वगैरह टूटी है, डाइवोर्स वगैरह हुआ है कुछ लोगों का लग रहा है, बट आप उन सब से रिकवर करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स और एक स्पिरिचुअल विक्ट्री आपको मिलेगी और ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए परफेक्ट हैं। सो बहुत ही पावरफुल है फॉर्क इन द रोड, येस आप बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम पीरियड पे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये 3 मंथ्स की है। आप सब कह रहे थे करो 1 मंथ वाली कर दो मे की, बट आई फील के स्पिरिट टोल्ड मी कि ये 3 महीने के लिए करनी चाहिए, सो आई डिड इट दैट वे। डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे और लॉन्ग टर्म फ्यूचर को आपके सिक्योर करेंगे। सो वंडरफुल नेक्स्ट 3 मंथ्स देयर लव लाइफ। चॉप द वुड, यस आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो और काफ़ी जितने आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए अपनी लव लाइफ पे उनसे आपको उनसे यू नो अब आप पे लोग एफर्ट लगाने वाले हैं, आप पे लोग मेहनत करने वाले हैं, आपको लोग यू नो रिश्ते में पाने के लिए, विन करने के लिए मेहनत करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो गेट टू यू नो गुड वर्क, गुड लक, बिकॉज काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं।
सो चलिए देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर वर्क एंड करियर. लेट्स सी. वर्क एंड करियर फॉर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नेक्स्ट 3 months. ऑलराइट. Daydreams and decisions and listen. So I do feel आपको थोड़ा confusion है right now about क्या career चुने क्या नहीं करें. Confused हो आपके ये जिस career में या तो हो आप उसमें आपको कुछ growth नहीं मिल रही business में है वो तो आपको कुछ decisions हैं choices हैं. I do feel आपको अपने intuition की सुननी चाहिए next 3 months क्योंकि आपके खुद के पास solutions हैं friends. So listen to your intuition. अगर आप अपने intuition की सुनोगे आपके career में बहुत success आएगा. आपके business वगैरह में भी आप right decisions choose कर पाओगे. Heart chakra, yes friends. अब next 3 months जो है focus ये है कि आपका दिल क्या करना चाहता है आपके career में आपके बिजनेस में आपके फाइनेंसेस में. यू नो आपके दिल को क्या करके खुशी मिलती है वो करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप सिर्फ मनी पे फोकस रहोगे दुखी रहोगे. सिर्फ करियर पे एम्बिशियस रहोगे दुखी रहोगे. यू ऑल्सो हैव टू टेक योर हार्ट विद यू फ्रेंड्स. दिल और दिमाग दोनों का संयोग और संजोग जो बना के आपको चलना पड़ेगा. बिकॉज मुश्किल होगा लेकिन जब आप ऐसा करोगे अपने दिल की भी थोड़ी थोड़ी सुनोगे वर्क और करियर में आई डू फील के यू नो आपका करियर में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा. इन्जॉय जो आप चीज़ करते हो वो अगर आप अपना करियर बना लोगे या अगर आप अपने करियर को इन्जॉय करने लगोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. डेडिकेटेड एफर्ट. एट ऑफ वॉन्स बहुत बिजी रहेंगे नेक्स्ट 3 months आपके लिए. आई ऑल्सो फील कि आप लोग किसी नई चीज़ पे काम करना शुरू करोगे. कोई आर्ट है कोई क्रिएटिविटी है सिंगिंग है पेंटिंग है डांसिंग म्यूज़िक कोई नए तरह का बिजनेस आइडिया कुछ नया सीखना शुरू करोगे जो आपके दिल के बेहद करीब है. एंड आई फील कि आपको शायद आइडिया नहीं है अभी कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो बट ऐसा होगा नेक्स्ट 3 months में. ऑल्सो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे. क्रिस्टल्स हैं स्पिरिचुअलिटी योगा हीलिंग हेल्थ वेलनेस इन सब की तरफ भी आपका रुझान आपके करियर में बढ़ेगा. ये देखिए वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स. यस फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो. एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी टाइम से आपके रिवॉर्ड्स करियर में ड्यू हैं. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स यस आपको मिलेंगे. अगर आप किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना चाह रहे हो जॉब वगैरह आई डू फील आपकी मेहनत रंग लाएगी. सो आप घबराएं नहीं फ्रेंड्स. ऑल इज़ वेल एंड व्हाट एल्स. और 8 और 9 ये देखिए 8 इज़ द एनर्जी ऑफ सैटर्न. सो लक आपके लिए आ रहा है. 9 इज़ द एनर्जी ऑफ कि आपका हार्डवर्क जो है उसका रिवॉर्ड मिलेगा. सो वेल डन. एंड 4 इज़ अबाउट स्टेबिलिटी. 4 इज़ अबाउट स्ट्रक्चर. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एडवाइस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 3 months. ऑलराइट. माय गॉड कार्ड्स आर जंपिंग आउट. नेक्स्ट 3 months नेविगेटिंग बाय द स्टार्स फॉलो योर ब्लिस. यस फ्रेंड्स एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही थी जहाँ दिल ले जाए वही रास्ते आपके हैं. यू नो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग बुल्ला की जाना मैं कौन. आई थिंक दैट इज़ हाउ यू नो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू फ्रेंड्स. यू नो आप अपने दिल को आप अपने दिल की सुनिए. आप कोई ज़रूर आप ऐसे रस्तों पे निकलोगे जो आप अनजानी राहें हैं लेकिन वो राहें आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाएंगी. डेफिनेटली फ्रेंड्स आप एडवेंचर्स पे जाने वाले हो. और नेक्स्ट 3 months यू नो आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी. आप इग्नोर नहीं कर पाओगे उसको. फॉलो योर ब्लिस एंड अननोन टेरिटरी. यस आप उन जगहों पे पाओगे खुद को नेक्स्ट 3 months जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी हैं. जैसे नए रिश्ते नए लोग नई दोस्ती नए वर्क और करियर्स नई रिलोकेशंस नई जगह. बट यू और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि ओहो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है क्या करना है पुरानी चीज़ें चल नहीं रही हैं सो अब क्या करें. सो कुछ नया करेंगे ये करना है. यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट 3 months जो आपका खेल है वो पेशेंस और हार्डवर्क में होगा. दिल और दिमाग में होगा. और आप जहाँ हो वहाँ खुश हो या नहीं या कुछ और करना चाहते हो इस पे होगा. सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड एग्जैक्टली आप वहाँ हो जहाँ आपको होना चाहिए. सो बहुत पावरफुल हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 months फ्रेंड्स. ऑलराइट. कार्ड्स आर जंपिंग आउट.
क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। सो यस, आपको पास्ट से तो डेफिनेटली मुक्ति मिलने वाली है, छुटकारा, जो भी चीज़ें हैं, जो हर्ट हैं, पेन्स हैं, चैलेंजेस हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। सो अभी के लिए तो इतना ही, ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो पर्सनल रीडिंग, बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड दिस इज मिस टेक्सी सिंह, बाय बाय।